हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पॉर्की मेग्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की हर ट्यूसडे और सैटरडे। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है मेरा एथनिक स्कर्ट्स कलेक्शन और कैसे मैं इनको स्टाइल करती हूँ। तो ऐसे ही आप भी अपनी एथनिक स्कर्ट्स को स्टाइल कर सकते हैं। वीडियो की ओर बढ़ने से पहले, ऐसी और फैशन अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक। और चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहली जो स्कर्ट्स होती हैं वो होती हैं कैजुअल स्कर्ट्स। तो मेरे पास ये दो कैजुअल स्कर्ट्स है। तो सबसे पहली कैजुअल स्कर्ट है ये, जो कि है श्री ब्रांड की, और ये इस तरह की दिखती है। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल येलो पिंक कलर है एंड आई थिंक समर के लिए ऐसी स्कर्ट्स बहुत ही ऑसम होती है। ये प्लेन कॉटन स्कर्ट है और इसको मैंने अपनी राखी लुकबुक में पहना था विद पिंक गंजीज, यानी पिंक स्लीवलेस टॉप और एक स्कार्फ। बहुत ही अच्छा लुक होता है। तो ऐसे ही आप भी अपनी लॉन्ग एथनिक जो कॉटन स्कर्ट्स होती हैं उनको आप कंट्रास्टिंग प्लेन टॉप्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं और उस पर एक मैचिंग की आप स्कार्फ ले लीजिए, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। इस टाइप की कॉटन स्कर्ट्स आपको बहुत ईजिली लोकल मार्केट्स में भी मिल जाएंगी या फिर आप ब्रांडेड भी ले सकते हैं। आई थिंक फैशन बिग बाजार FBB पे भी काफ़ी रीजनेबल रेट पर स्कर्ट्स मिल जाती हैं और आपको और ब्रांड्स में भी मिल जाएगी, जैसे ये श्री की है, या फिर लोकल मार्केट जैसे सरोजनी भी आपको इजीली मिल जाएगी ये 200 की 250 की। तो फर्स्ट स्टाइल है कि इसको आप कंट्रास्टिंग प्लेन टॉप विद स्कार्फ के साथ पहने, बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो कैजुअल स्कर्ट है वो है मेरे पास ये ब्लैक लहरिया की, जो कि मैंने जयपुर से ली थी। ये भी काफ़ी घेर की है, ये भी बहुत वर्सेटाइल है। आप ऐसी स्कर्ट्स को प्लेन स्वेटर्स के साथ पहन सकते हैं विंटर्स में, या फिर अगर समर है तो स्लीवलेस प्लेन ब्लैक टॉप और उस पर एक अच्छा सा नेकलेस ले लीजिए। मैं यहाँ पर एक पिक्चर रेफरेंस के लिए लगा दूंगी। तो इस तरह आप इन स्कर्ट्स को स्टाइल कर सकते हैं। ऑल्सो जब गरबा का सीज़न होता है तो आप इसको कंट्रास्टिंग प्लेन टॉप विद जो वर्क वाली एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट्स होती हैं उनके साथ पहन सकते हैं, बहुत ही ऑसम लुक आता है। या फिर आप सिंपल प्लेन टॉप्स की तरह इसकी तरह पहनिए। आपको याद होगा कि लक्ष्य मूवी में प्रीति जिंटा ने ये स्टाइल बहुत पहना था। ऑल्सो करीना कपूर ने कुर्बान मूवी में ऐसे बहुत सारे स्कर्ट विद स्वेटर्स एंड स्कार्फ्स पहने हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसको समर के लिए आप स्वेटर्स को टॉप्स के साथ रिप्लेस कर दीजिए, तो इस तरह आपका बहुत ही अच्छा समर स्टाइल बन जाएगा, विंटर्स में स्वेटर्स के साथ बन जाएगा। तो ये था अनदर स्टाइल कि आप इसको एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट के साथ पहन सकते हैं फेस्टिवल ओकेजन पे, या फिर प्लेन टॉप विद सम गले में अच्छा सा नेकलेस फॉर नॉर्मल ओकेजन्स। तो ये हो गई आपकी कैजुअल स्कर्ट्स। नाउ अब बढ़ते हैं एथनिक स्कर्ट्स में, थोड़ा सा हैवी पार्टी वेयर लुक वाली स्कर्ट्स। तो उसको मैं कैसे स्टाइल करती हूँ, तो चलिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरी स्कर्ट है वो है ये ब्लू स्कर्ट, जो कि इंडिया ब्रांड की है। इसमें बहुत अच्छी नीचे जो है ये बॉर्डर है ओवरऑल। तो ये जो स्कर्ट है ये आप लोगों को याद होगा, इसको मैंने मैरिज में पहना था विद ब्लू कोल्ड शोल्डर टॉप, अच्छा सा एक नेकलेस और एक कंट्रास्टिंग दुपट्टा जो कि मैंने लिया था बंदेज का। तो ये इस तरह से एक लहंगा लुक बन जाता है। ऑल्सो अगर आप इंडो वेस्टर्न लुक बनाना चाहते हैं तो आप चुन्नी रहने दीजिए और सिर्फ टॉप पहनिए, कुछ अच्छी सी ज्वेलरी पहनिए। बहुत ही वर्सेटाइल होती है इस तरह की स्कर्ट्स, तो आप रिसेप्शंस में, पार्टीज़ में, कॉकटेल पार्टीज़ में, वेडिंग्स में पहन सकते हैं। तो ये आपका स्टाइल हो गया कि इसको आप विद सेम टॉप और कंट्रास्टिंग दुपट्टा के साथ लीजिए, तो बहुत ही ऑसम लगता है। तो ये हो गया अनदर स्टाइल जो आप कर सकते हैं एक एथनिक स्कर्ट के साथ जो कि थोड़ी सी हैवी लुक में है। नाउ जो नेक्स्ट स्टाइल है वो मेरा बहुत ही फेवरेट स्टाइल है, तो उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी मेरी ये स्कर्ट। ये पिंक स्कर्ट मैंने, आई थिंक ये ब्रांड का नाम था स्टूडियो रासा। तो ये जो स्कर्ट है ये स्टूडियो रासा की स्कर्ट है और इसको मैं अपनी वाइट शर्ट के साथ स्टाइल करती हूँ। इसको मैंने अपने नवरात्रि लुकबुक वीडियो में आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो तो। ये बहुत ही ऑसम लगती है वाइट शर्ट के साथ और फिर कुछ आप मैचिंग ज्वेलरी पहन लीजिए। स्कर्ट्स विद वाइट शर्ट्स जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत सारी एक्ट्रेसेस पहनती है, बहुत ही ऑसम लगता है। गले पे एक अच्छा सा हार ले लीजिए तो वेडिंग में बहुत ही अच्छा इंडो वेस्टर्न मॉडर्न काइंड ऑफ लुक आता है, मॉडर्न इंडियन लुक। तो आप भी ऐसे ही अपनी पार्टी स्कर्ट्स को प्लेन व्हाइट शर्ट के साथ मैच कीजिए और अच्छी सी ज्वेलरी पहनिए, तो बस तैयार हो जाएगा आपका क्लासिक वेडिंग हैवी लुक। तो आप इस तरह से स्कर्ट्स को शर्ट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। ये स्टाइल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। नाउ जो नेक्स्ट जो मेरी स्कर्ट है वो है एक
फेस्टिव टाइप की गोल्डन स्कर्ट। ये जो है ब्रांड है जुनाइपर, जो कि मैंने सेंट्रल से लिया था और ये भी मैंने आपको अपनी नवरात्रि लुकबुक वीडियो में दिखाया था। ये जो बहुत ही अच्छी स्कर्ट है, इसमें ओवरऑल बहुत ही अच्छा सा गोल्डन वर्क है और इसको जो मैं स्टाइल करती हूँ फेस्टिव लुक के लिए विद कंट्रास्टिंग रेड ब्लाउज और इसी कलर की चुन्नी। तो ये जो इसमें जो लुक था वो था सेम कलर का ब्लाउज विद कंट्रास्टिंग चुन्नी और इसमें जो मैं पसंद करती हूँ वो कंट्रास्टिंग ब्लाउज विद सेम कलर की दुपट्टा। तो इस तरह से आप भी इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, लहंगा लुक क्रिएट कर सकते हैं कि कंट्रास्टिंग ब्लाउज विद सेम कलर दुपट्टा या फिर सेम ब्लाउज और कंट्रास्टिंग कलर का दुपट्टा। तो ऐसे भी ये लुक बहुत ऑसम लगता है। ऑल्सो आप इस तरह की स्कर्ट्स को लॉन्ग कुर्तीज के साथ पहन सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक स्टाइल आप कर सकते हैं लॉन्ग एथनिक स्कर्ट्स के साथ। नाउ जी, लास्ट और बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्कर्ट मेरे वार्डरोब में है, ये ब्लैक स्कर्ट। ये जो एक पॉली सिल्क मटेरियल की स्कर्ट है और ऐसी स्कर्ट आप सरोजनी में एक शॉप है बिग सी, वहाँ से इजीली ले सकते हैं। तो ये जो मटेरियल है वो दिखने में सिल्क जैसा लगता है, घेर बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये मटेरियल है पॉली सिल्क। अराउंड आपको 1500 से 1600 के बीच पड़ेगी ऐसी स्कर्ट। और ये ब्लैक, अगर प्लेन ब्लैक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। इसको आप वेस्टर्न लुक भी बना सकते हैं लाइक वाइट टॉप के साथ पहन के, या फिर आप इसको इंडियन वे में इतने तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। आप इसको कर सकते हैं शॉर्ट जैकेट के साथ, कोई भी एथनिक जैकेट पहनिए, बहुत ही अच्छा लुक आता है। नेक्स्ट आप एक लॉन्ग कंट्रास्टिंग कुर्ती, जैसे इसमें मैं गोल्ड कुर्ती पहनती हूँ, वो भी बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट आप इसके ऊपर सेम ब्लैक कलर की कुर्ती भी पहनेंगे तो भी बहुत अच्छा वेडिंग लुक आता है। तो आप इसको टोन डाउन या टोन अप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा ओकेजन है। लाइक आपको कैजुअल लुक क्रिएट करना है तो सिंपल प्लेन वाइट टॉप पहनिए, या फिर इंडियन हैवी लुक क्रिएट करना है तो आप एथनिक एलिमेंट्स के साथ मिक्स एंड मैच करिए। तो ये स्कर्ट भाई मैं बता नहीं सकती कितने तरीके में आप स्टाइल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपके पास एक भी नहीं है तो एक प्लेन ब्लैक स्कर्ट में सबसे पहले इन्वेस्ट कीजिए अगर आपको हैवी ओकेजन्स के लिए स्टाइल करना है। और अगर आप नॉर्मल ओकेजन्स के लिए लेना चाहते हैं तो आप इस तरह की कॉटन स्कर्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने डेली वेयर में पहन सकते हैं। समर इज अप्रोचिंग, गर्मी का सीज़न आने वाला है, तो उसके लिए इस तरह की जो हल्की फुल्की कॉटन स्कर्ट्स होती हैं वो आप पहन सकते हैं। आप नी लेंथ वाली शॉर्ट स्कर्ट्स भी पहन सकते हैं, वो भी विद शॉर्ट कुर्तीज बहुत ऑसम लगती है। तो इस तरह जो ये है मेरा एथनिक स्कर्ट्स कलेक्शन और मैं इसको स्टाइल करती हूँ इस तरह डिफरेंट डिफरेंट वेज में। तो गाइज, ये था वीडियो ऑन हाउ आई स्टाइल माई एथनिक स्कर्ट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ आइडिया मिले कि आप कैसे अपनी एथनिक स्कर्ट को स्टाइल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे थम्स अप देना बिल्कुल ना भूले गाइज। आप लोग थम्स अप देने में थोड़ी सी आजकल कंजूसी कर रहे हैं मैं देख रही हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब कीजिए पॉकी मेक्स हिंदी को ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ऑल्सो ऐसी और अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहां मैं बहुत सारे फैशन पोस्ट डालती हूँ, स्टोरीज डालती हूँ, तो आपको और आइडिया लग सकता है। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पॉकी मेक्स। तो मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश। बाय बाय।